अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब आप ठीक होंगे। हम उर्दू का काम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अलिफ ता गाइन तक लिखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? अलिफ ता गाइन लिखें। ये क्लास में पहले करवा चुकी हूँ, ये रिवाइज हो रहा है आप लोगों का काम। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, ते, से। ये हमने बे का खानदान लिख लिया। अब हम जीम का खानदान लिखते हैं। जीम, जे। आप लोगों ने जीम की स्टोरी सुनी हुई है? देखिए ना, जीम जो है वो चार भाई हैं। ओके, हे। जीम को बहुत जीम को भूख लगी होती है तो वो एक रोटी खा लेता है। जे को उससे भी ज़्यादा भूख लगती है तो वो कितनी रोटियां खाता है? तीन। हे जो है वो भूखा ही रहता है, उसको भूख नहीं लगती। और जो खे है उसको भी भूख नहीं लगती, वो जस्ट रोटी अपने ऊपर रख लेता है और उसको भूख नहीं लगती। अब हम दाल का खानदान लिखेंगे। दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, से, सीन, शीन, स्वात, स्वात, तोए, जोए, आइन, वाइन। इज इट क्लियर? अब नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। अगला हर्फ लिखें कि पे के बाद क्या आता है, रे के बाद क्या आता है, जीम के बाद क्या आता है और दाल के बाद। अब हम पे के बाद लिखेंगे। पे के बाद क्या आता है? ते। यहाँ पर हमने ते राइट कर लिया। जीम के बाद क्या आता है? चे। चे राइट कर दिया। रे के बाद जे। दाल के बाद डाल। जी, इज इट क्लियर? अब आप लोग रफ कॉपी पे ऐसे ही राइट करके मुझे सेंड करना है। ओके, अब हम रीडिंग बुक्स की तरफ आ जाते हैं। अलिफ आ अखरोट, अलिफ आ अंगूर, अलिफ आ अंडा, अलीमदा आ आम, अलीमदा आ आरी, अलीमदा आ आग, बेबा बत्तख, बेबा बकरी, बेबा बाल्टी, पेपा पत्ता, पेपा पंखा, पेप्या प्यास, तेता तितली, तेता ताला, तेता तरबूज, तेटा टोकरी, तेटा टाफी, तेटा टैंक, सेसा समर, सेसा साबत, जीम जा जग, जीम जा जराब, जीम जा जूता, चेचा चिड़िया, चेचा चांद, चेचा चूजा। यहाँ तक हमने उस दिन पढ़ा था। अब हम हे से पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? हे। हे का साउंड क्या होता है? हे हा। और ये क्या है? हे का बेबी, आदिष्कार। हे हा हलवा, हे हा हाजी, हे हा हजाम, हे हा हलवा, हे हा हाजी, हे हा हजाम। हम हज करने कहाँ जाते हैं? मीनारे पाकिस्तान के खाना काबा। जी, आप सबको पता है कि हज कहाँ करने जाते हैं? खाना काबा में। तो हमने खाना काबा पे टिक लगा देना है। जी, ये क्या लिखा हुआ है? खे, खे खा। जी, ये क्या राइट हुआ हुआ है? खे, खे खा। ये इसका बेबी है खे का, आदिष्काल। अब पढ़ते हैं हम। खे खा खाना काबा, खे खा खैमा, खे खा खत। अगेन, खे खा खाना काबा, खे खा खैमा, खे खा खत। किस जानवर की रफ्तार तेज है? खरगोश की या कछुए की? जी, आपने कहानी भी है छोटी सी, मैं फिर किस दिन सुनाऊंगी खरगोश और कछुए की। लेकिन जो किसकी रफ्तार तेज होती है? खरगोश की। कछुआ जो है वो बहुत स्लो चलता है, खरगोश जो है वो बहुत तेज भागता है। ओके जी, अब हम इस्लामियत के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अल्लाह ने हमारे नबी पर कौन सी किताब उतारी? कुरान मजीद। हमारे नबी की क्या खूबी है? आखिरी नबी हैं। हर मुसलमान पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? पांच। नमाजों के नाम बताएं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। जन्नत किसके कदमों तले है? माँ के। ये भी 5 क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने ये भी मुझे सुनाने हैं। अब हम कुरान की तरफ आते हैं। मैंने उस दिन आप लोगों को ताउस दिया था, अब आज तस्मिया पढ़ूंगी। तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल।
उम्मीद है मुझे आप सबको समझ आ गई होगी। अब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें।